हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में खत्म किया रिपीटेड अल्फाबेट सीरीज के दो टाइप्स को खत्म किया। जैसे हमने पढ़ा है कि रिपीटेड होमोजीनियस एंड रिपीटेड हेटरोजीनियस जो अल्फाबेट्स थे हमने उसको कंप्लीट किया है, और आज हम इस वीडियो में आपको थर्ड टाइप्स के साथ लेकर चलते हैं। और थर्ड टाइप जो हमारी है सामने आपके साइक्लिक ऑर्डर, जो साइक्लिक ऑर्डर है वो रिपीटेड अल्फाबेट सीरीज की थर्ड टाइप है और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है, और इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है स्टूडेंट्स को। और साइक्लिक ऑर्डर में क्या है कि आपको अल्फाबेट्स तो बिल्कुल सेम मिलेंगे, एक लीनियर फेज में अल्फाबेट्स बिल्कुल सेम मिलेंगे, लेकिन उनके हर एक सेट के अंदर अल्फाबेट की पोजीशन चेंज होती रहेगी। मतलब कैसे है कि अगर पांच सेट है तो पांच सेट में एक सेट के अंदर अल्फाबेट सेम रहेंगे लेकिन उनकी पोजीशन चेंज, और सेकंड में भी अल्फाबेट सेम रहेंगे पहले की तरह से लेकिन उनकी पोजीशन चेंज, और थर्ड में फोर्थ में फिफ्थ में सभी में पोजीशन चेंज होती रहेगी, और इसी तरह से साइकिल घूमता रहेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर, और ये थर्ड टाइप है दोबारा से बोल रहे हैं। और हम एग्जाम्पल के साथ चलते हैं आगे। एग्जाम्पल के साथ हम जैसे बोल रहे हैं कि मान लो ए बी सी, और ये हमारा फर्स्ट सेट हम कंप्लीट कर रहे हैं, और दूसरा है हमारे पास सी ए बी, और तीसरा है हमारे पास बी ए सी, और फिर है हमारे पास सी ए बी, मतलब सी बी ए। देखो आप देखो एक चीज देखो कि हमने पांच सेट बनाए, एक लीनियर फेज बनाया। ये आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रहे हैं सिंपल, कि देखो अल्फाबेट तो तीन ही मिल रहे हैं आपको, ए बी सी, अल्फाबेट आपको तीन मिल रहे हैं, ए और ए बी और सी, और देखो पांच चार सेट बनाए, और चारों सेट में फर्स्ट सेट में ए बी सी और दूसरे सेट में भी ए बी सी, लेकिन इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, पहले के साथ बिल्कुल भी सेम नहीं हो रही। और थर्ड में देखो ए बी सी, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई है फर्स्ट और सेकंड के साथ, और फोर्थ में भी इसी तरह से ए बी सी, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई है। और इस तरह से हम क्वेश्चन के साथ चलते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है तो क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन इस तरह से आपका क्वेश्चन है हमारा, जैसे आप जल्दी से एज्यूम कर जाएंगे और इसको जल्दी से क्लियर कर जाएंगे। तो क्या लिख रहे हैं कि ब्लैंक सी ए ब्लैंक ए बी ए ब्लैंक सी ब्लैंक सी ए, ये आपके सामने रहा है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसी साइक्लिक ऑर्डर का। तो जल्दी से क्लियर करो, उतने टाइम में हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, तो ऑप्शन दे जा रहे हैं। तो ऑप्शन में रहेगा आपका ए बी सी बी बी, सेकंड ऑप्शन इज बी ए सी बी ए बी ए सी बी ए, और थर्ड में रहेगा हमारा, थर्ड ऑप्शन में हमारा रहेगा बी 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 सी सी, और डी ऑप्शन में हमारा रहेगा ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी। देखो मैंने आपको क्या बोला कि आपने पहले इसके सेट बनाने हैं। सेट कैसे बनाओगे, पहले काउंटिंग कैसे करोगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, मतलब पांच दिए पंद्रह, और जैसे हम देख रहे हैं कि तीन और पांच के हम अच्छे से सेट बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि दो तीन चार और पांच, इन चारों में से सेट जो अच्छे बनते हैं वो है तीन और चार के, और क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से ज्यादा पूछे जाते हैं, और इन्हीं दोनों में से ज्यादा पूछने का मतलब है कि सेट हमारे इन तीन और चार में से ज्यादा बनते हैं। तो इसी तरह से हम तीन के सेट ज्यादा बनाएंगे और पांच सेट बन जाएंगे हमारे, तो तीन तीन के सेट बनाते हैं, जो देखते हैं। ये हमारा रहा सेकेंड, ये रहा हमारा थर्ड, ये रहा हमारा फोर्थ, और इस तरह से रहा हमारा ये फिफ्थ। तो मैंने कहा कि तीन तीन के हम क्या करेंगे, सेट बनाएंगे इस तरह से, एक सेट में तीन अल्फाबेट आएंगे। तो मैंने साइक्लिक ऑर्डर में आपको स्टार्टिंग में समझाया कि आपको अल्फाबेट तो बिल्कुल सेम मिलेंगे, लेकिन जितने सेट मिलेंगे उन सभी सेट में से सभी अल्फाबेट्स की पोजीशन पहले सेट से सेकंड सेट से थर्ड सेट से सभी के एक दूसरे के साथ क्या रहेगी, अल्टरनेट रहेगी, बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी। तो इसी को हम बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर। कैसे, देखो अब पांच सेट हमने बना लिए तीन तीन के। अब देखो मैंने कहा है कि आप अज्यूम कर जाओ कि ए बी मिला और सी मिला, ए बी और सी, देखो सभी में ऐसा चल रहा है। अगर हम मान लो इधर रख लें ए, तो हमारा फर्स्ट सेट क्या हो गया कंप्लीट ए बी सी। मान लो दूसरे में रख लें बी, तो दूसरे में हम रख रहे हैं बी, तो बी इधर रख रहे हैं हम सर्कल लगा के, तो बी हम रख रहे हैं इधर, तो ऊपर रख रहे हैं इस वाले में, थर्ड वाले में रख रहे हैं सी। देखो हमारे मैंने बोला कि अल्फाबेट सेम रहेंगे, लेकिन उनकी पोजीशन जो है वो चेंज होती रहेगी हर सेट के अंदर। तो इसी तरह से फोर्थ में देखो, फोर्थ में क्या आएगा, वेरी गुड बी आएगा, वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया, वेरी गुड सी बी आएगा, और जो लास्ट में क्या रहेगा, लास्ट में भी बी आएगा, लास्ट में भी
बी आएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बना, इस तरह से हमारा आंसर क्या बना, ए बी सी बी बी। तो अब देखो किधर रहा है ये आंसर, ए बी सी बी बी, तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो चुकी है। आपने बिल्कुल सही निकाला, आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। इस तरह चलते हैं फोर्थ नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम जल्दी से जल्दी से। और ये हमारी भाई अभी फोर्थ टाइप, तो थ्री टाइप्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। देखो अभी थ्री टाइप्स, थर्ड टाइप्स में क्या था कि साइक्लिक ऑर्डर था। साइक्लिक ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा है कि अल्फाबेट्स सेम रहेंगे लेकिन जो है कि वो हर टाइम अपनी अपनी पोजीशन को चेंज करते रहेंगे सभी सेट में। तो इसी तरह से हमारा साइकिल वो कंप्लीट होता है। और इस तरह से अभी हम फोर्थ टाइप को देखते हैं। फोर्थ टाइप में क्या है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें क्या रहेगा कि पहली बात तो ये बड़ी बात है कि हम इसमें कोई भी ग्रुप नहीं बनाएंगे। क्या नहीं करेंगे, नो ग्रुपिंग, नो ग्रुपिंग, नो ग्रुपिंग। इसमें किसी भी तरह का कोई ग्रुप नहीं बनेगा। ग्रुप का मतलब जो हम सेक्टर बनाते थे कि भाई काउंट करो कितने अल्फाबेट्स हैं और ग्रुप बना दो, तीन के चार के पांच के या दो के, इस तरह से हम कोई ग्रुप नहीं बनाएंगे, याद रखनी ये बात। और ग्रुप नहीं करेंगे हम इसका क्रिएट, और ग्रुप नहीं बनाएंगे इसका कोई भी, और ग्रुप ना बनाने से हम फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे तरीके सॉल्व करेंगे। क्या है इसका राज, देखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है कि जो अल्फाबेट्स हैं या तो वो इंक्रीज होकर के पीछे से कम होते रहेंगे, डिक्रीज होते रहेंगे, या फिर आगे से डिक्रीज होकर के पीछे से इंक्रीज होते रहेंगे। ये इसका पूरा का पूरा लॉजिक है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं और इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी एक ना मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ क्या बोल रहा हूं। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि ए बी बी, ग्रुप नहीं बनाना, कोई भी ग्रुप नहीं बनाना, अगर मैं आपको ए बी बी बोल के रुक रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ग्रुप बना रहा हूं, आपको समझाने के लिए, सिंपल आपको समझाने के लिए। और दूसरी बार मैं बोल रहा हूं बी बी सी, और तीसरी बार हम बोल रहे हैं बी सी सी, और फिर बोल रहे हैं हम सी सी डी। देखो इसमें क्या है कि अल्फाबेट सेम नहीं रहेंगे, अल्फाबेट हर टाइम अपनी पोजीशन भी चेंज करेंगे, हर टाइम अपने आप को चेंज करते रहेंगे, डिक्रीजिंग में फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और अल्फाबेट न्यू ऐड होता रहेगा। अब देखो कैसे, देखो मैंने कहा कि ए बी बी, मैंने कहा कि ए बी बी, और पहली बार में मैंने बोल दिया कि ये ए बी बी लिखा है, और पहले बार में हमने क्या कर दिया, ए को डिलीट किया, और बाद में क्या आया बी बी सी, एक ऐड हो गया, एक इंक्रीज हो गया और पहले वाला डिक्रीज हो गया, ए निकल गया सी ऐड हो गया। अब मैंने बी निकाल दिया तो बी सी सी, तो बी एक निकल गया तो सी एक और ऐड हो गया, क्या हो गया सी एक और ऐड हो गया, इंक्रीज हो गया। अब देखो मैंने बी फिर से निकाल दिया तो क्या बना, सी सी डी, एक अल्फाबेट न्यू आ गया, क्या आ गया, एक अल्फाबेट न्यू आ गया। तो मतलब अल्फाबेट आते रहेंगे, ये सेम नहीं रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे, डिक्रीज होते रहेंगे, इसी तरह से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई थिंक आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देख सकते हो, प्लीज जरूर देखो आप। और इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा, देखो हमने लिखा है कि ब्लैंक्स दे करके कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं। अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए आपको, दोबारा से आपको मल्टी नंबर्स में आपको एक अल्फाबेट दिख रहा है, मल्टी नंबर्स में दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला है, और किसी भी तरह का कोई ग्रुप नहीं बनाना है। अगर ग्रुप बना लिया आपने तो आपका सारा क्वेश्चन खराब और आपके दो नंबर गलत हो जाएंगे, इसलिए आपने इनका ग्रुप ना बनाते हुए समझना है कि इसके जो है मल्टी नंबर्स में अल्फाबेट्स आ रहे हैं तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला लॉजिक लगेगा। तो कैसे, चलो पीछे से देखते हैं। पीछे से क्या है कि चार बार, फोर टाइम अल्फाबेट ए आया है, फोर टाइम अल्फाबेट ए आया है। अगर हम इसमें थ्री टाइम जो सी है इसको अगर एक नंबर ज्यादा इंक्रीज करें तो क्या रहेगा, हमारा फोर टाइम सी आ जाएगा। फोर टाइम ए था तो फोर टाइम सी आ गया, और नेक्स्ट में देखो थ्री टाइम ए आ गया। देखो दो टाइम है, एक बिचकार में क्या है, ब्लैंक है, तो हमने इसमें ए ऐड कर दिया, तो थ्री टाइम ए आ गया। पहले में फोर टाइम था, अभी थ्री टाइम आ गया, पहले में फोर था फिर थ्री आ गया, अब थ्री टाइम क्या आ गया, सी अल्फाबेट आ गया। तो पहले में क्या थे, हमने फोर टाइम बनाए थे, और दूसरे में थ्री टाइम हमने सी अल्फाबेट बना दिए, और इसी तरह से हम आगे वाले में दो टाइम, टू टाइम्स हम ए अल्फाबेट्स को ऐड करेंगे, टू टाइम्स ए अल्फाबेट्स को ऐड करेंगे, और टू टाइम्स हम सी अल्फाबेट को ऐड करेंगे। इसी तरह से हमने क्या किया कि ए एक टाइम, वन टाइम हम ए अल्फाबेट को ऐड किया और वन टाइम हमने सी अल्फाबेट को ऐड किया। ये होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। देखो उधर से चलते हैं तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इधर से जाएंगे तो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है,
बात समझ में आई। तो इसी तरह से हमने जो एज्यूम किया आंसर सी ए ए सी, तो देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। तो पहली ऑप्शन जो है, फर्स्ट ऑप्शन है सी ए ए सी, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको समझ में आ चुका है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वीडियो दोबारा से देखो, दोबारा से देखो, फिर दोबारा से देखो, जब तक समझ में आए तो देखते रहो। तो अभी चलते हैं हम अपनी लास्ट टाइप पर। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट वाला टाइप, तो लास्ट टाइप में क्या देख रहे हो आप, कि ईच ग्रुप हैव सेम एलिमेंट्स। मतलब इसमें क्या है कि आपको पहले तो एक चीज बता रहा हूं कि इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें ग्रुप्स बनेंगे, इसमें भी ग्रुप्स बनेंगे, इस वाले टाइप में भी ग्रुप्स बनेंगे। तो लिखो ईच ग्रुप हैव सेम एलिमेंट, ग्रुप्स बनाओगे, ग्रुप्स बना करके आप देखोगे कि अल्फाबेट जो है सभी, जब सभी के सभी सेट में, सभी ग्रुप्स में सेम जा रहे हैं, इसमें कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला कभी भी फंडा नहीं लगेगा। तो इसमें क्या रहेगा कि आपने ग्रुप्स बनाए, ग्रुप बना करके आपने देखा कि सभी में आपने अल्फाबेट बिल्कुल सेम रखने हैं, और जैसे फर्स्ट ग्रुप में रखा फिर सेकंड ग्रुप में रखा तो अल्फाबेट बिल्कुल सेम रहेंगे। पोजीशन चेंज हो सकती है, पोजीशन चेंज हो सकती है, और लेकिन इस वाले में एक थोड़ी सी आपको क्या दे देते हैं, ये एक थोड़ा सा झटका दे देते हैं। कैसा झटका देते हैं, देखो मान लो मैं इसके ग्रुप बनाना चाहता हूं, अब ग्रुप बनाते हैं, अब गिनते हैं, पहले काउंटिंग करेंगे, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, अब 14 नंबर है, 14 नंबर अल्फाबेट्स के हैं, तो अल्फाबेट्स हमने 14 पूरे करने हैं, तो 14 के तो कोई ग्रुप नहीं बनेगा, 14 के तो कोई ग्रुप नहीं बनेगा, या तो आप तीन तीन के बनाओ, या तो चार चार के बनाओ, जाओ मैंने कहा पांच पांच के बनाओ, नहीं फिर दो दो के बनाओ। और ज्यादा प्रायोरिटी हम तीन तीन और चार चार वालों में से देते हैं, चार चार वाले हमारे बन सकते हैं, तीन तीन वाले भी हमारे बन सकते हैं, लेकिन अगर हम चार चार वाले एक बार बना के देखें, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हमारे चार चार बन रहे हैं तो चार चार बनाओ, अगर ज्यादा लंबी सीरीज है तो तीन तीन बन रहे हैं, तीन तीन बन के हमारी जो लंबी सीरीज जो है लंबी एक लीनियर फेज में है, तो अगर तीन तीन बना करके ग्रुप हमारे कंप्लीट होते हैं तो तीन तीन बनाओ। लेकिन अभी क्या करेंगे हम, चार चार ग्रुप बनाएंगे इनके, तो चार चार ग्रुप बना के देखते हैं। डस्टर मेरा किधर गया भाई, तो डस्टर हमारा इधर का, तो डस्टर हमारे इस तरह से रहा, चलो देखते हैं चार चार ग्रुप बनाते हैं, तो चार चार ग्रुप बना के देखते हैं। मार्कर भी खत्म हो रहा है मेरा, मार्कर खत्म हो रहा है भाई, तो एक ग्रुप दो ग्रुप तीन ग्रुप और चार ग्रुप। अब देखो मैंने कहा था ना कि एक न्यू चीज ऐड होने वाली है, इसमें न्यू चीज क्या ऐड हुई है, ये दो, अब ये दो बचे, अब दो का क्या करें, अब डरने की बात नहीं है, ये आपको पजल करने के लिए रखा गया है, या तो दो आगे से छोड़ सकते हो या दो पीछे से छोड़ सकते हो। अगर मैंने पीछे छोड़े हैं तो पीछे से छोड़ने का मतलब ये है कि आगे से जब आप कंप्लीट करोगे तो पीछे वाली कंटिन्यू में रहेगी, जैसे हम बोलते हैं कंटिन्यू बी ए कंटिन्यू, तो बी कंटिन्यू में ये वाली सीरीज रहेगी, तो आगे जाने वाली सीरीज भी सेम रहेगी, इसका मतलब ये है, सिंपल और कुछ नहीं है। अगर हम इसको इरेज भी कर दें, मान लो इसको इरेज भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीरीज के अंदर, लेकिन हम अभी ऐसी रखते हैं, तो अभी इस तरह से ही रखते हैं, ये दो वाला है, तो दो वाला है, तो हम देखो चार चार के ग्रुप बना के चलते हैं। तो मैंने बोला है कि आपके अल्फाबेट सेम रहेंगे, पोजीशन चेंज होती रहेगी और ग्रुप आपके बनते रहेंगे, तो चलो साइक्लिक वाला काम नहीं रहेगा इसके अंदर, चलो देखते हैं कैसे है। वॉटर एंड मिरर इमेज वाला इफेक्ट लग सकता है, वॉटर एंड मिरर इमेज वाला इफेक्ट लग सकता है, कैसे देखो, मान लो मैं बोल रहा हूं ए बी सी डी, एक बार आप देखो, देखो क्योंकि हमारे पास डी भी आ रहा है, आप सोच रहे होगे कि हमें तो आता है इसीलिए हम कुछ भी बोले जा रहे हैं। देखो सुनो मेरी बात, सीरीज में देखो ए सी, ए सी पहली में आया तो डी भी हमें मिल रहा है, बी भी हमें मिल रहा है, इसका मतलब चार अल्फाबेट मैंने चार चार के ग्रुप को बनाया, तो चार हमने पूरे कर दिए अल्फाबेट, तो देखो ए सी भी आया, डी और बी भी आ गया ना, तो सीरीज देखो, सीरीज तो समझो, तो मैं अगर लिख दू बी और इसमें डी, मतलब मेरा ए बी सी डी एक ग्रुप कंप्लीट हो गया, लेकिन इसको हम अभी फाइनल नहीं करेंगे, इसको अभी हम प्रोबेबिलिटी में रखेंगे। देखो ए बी सी डी रख लिया, अब मिरर मेज, मैंने बोला मिरर और वाटर मेज वाला इफेक्ट लगता है इसके अंदर, तो मिरर मेज वाला देखो, तो मिरर मेज वाला इस तरह से इफेक्ट लगाओ, तो डी डी सी सी बी बी और ए, बात बन गई। तो इस तरह से हम थर्ड ग्रुप को देखेंगे, थर्ड ग्रुप में देखो बी और सी आ गया, बी और सी फर्स्ट वाले के साथ सेम हो रहा है, तो मतलब ए बी सी डी, और इसका जो लास्ट वाला है वही मिरर इमेज देखो डी डी सी सी, इसका मतलब ये कंटिन्यू में है, तो हमारा जो ऑप्शन रहेगा वो हमारी ऑप्शन जो क्या रहेगी, तो देखते हैं, तो हमारा आंसर में क्या रहा है, बी डी बी ए डी बी डी बी ए डी बी डी बैड
बीडी बैट। चलो फर्स्ट ऑप्शन हमारी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो पुत्र जी क्या है हमारा, ये पांच जो हमारी टाइप्स थी रिपीटेड अल्फाबेट सीरीज की वो हमने कंप्लीट कर ली है। तो इस तरह से हम अभी के लिए आपसे अलविदा मांगते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। धन्यवाद।